हमें हमारा हर शुभ चिंतक देता है कि भाई सेहत अच्छी रखनी है और वजन सही रखना है तो एक्सरसाइज करो एक्सरसाइज करो एक्सरसाइज करो, पर ये हमें कोई बताता ही नहीं कि एक्सरसाइज कौन सी करें, कब करें, कैसे करें और कितने मिनटों के लिए करें। तो इसका जवाब मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपकी दोस्त डॉक्टर मेधा कपूर और आज मैं आपके सामने एक बहुत बड़ा नंबर पेश करने वाली हूँ और उसके पीछे की कहानी भी, मैजिक नंबर 150, जो कि मेरा मनगढ़ंत नहीं है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दिया गया एक नंबर है। तो चलिए जानते हैं इसके पीछे की कहानी। तो दोस्तों, एरोबिक फिजिकल एक्टिविटी को लेकर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने पर वीक के दो रिकमेंडेशंस दिए हैं। नंबर एक, या तो आप 150 मिनट के लिए मॉडरेट इंटेंसिटी पर एरोबिक फिजिकल एक्टिविटी करें, या दूसरा तरीका, आप 75 मिनट के लिए विग्रस फिजिकल एक्टिविटी करें एक हफ्ते के अंदर। तो ये हम मान गए क्योंकि आप और मैं दोनों ही हेल्थ एंथुजियास्ट्स हैं और सेहतमंद रहना चाहते हैं, पर हम जाने कैसे कि जिस इंटेंसिटी पे हम वर्कआउट कर रहे हैं वो मॉडरेट है या कि वो विग्रस है। तो दोस्तों, इसके लिए दो बहुत ही आसान तरीके हैं जो कि मैं आपके साथ यहां इस वीडियो में शेयर करने वाली हूं। पहला तरीका है बहुत ही सिंपल, जिसे हम बोलते हैं टॉक टेस्ट। इसे हम खुद कर सकते हैं बिना किसी सुपरविजन के, विदाउट एनी गाइडेंस। इसमें आपको एक्सरसाइज करते समय ये असेस करना है कि आपकी सांस कितनी फूली हुई है। यदि आपकी सांस इतनी कम फूली है कि आप कंफर्टेबली बहुत आराम से बातचीत भी कर सकते हैं, और यदि आप गाना गाना चाहें तो आपका सांस का फूलना उसमें इंटरफियर नहीं करेगा, वो कंफर्टेबल होगा, तो आप एक्सरसाइज कर रहे हैं माइल्ड इंटेंसिटी पे। यही अगर आपकी स्थिति ऐसी है कि सांस इतनी फूल रही है कि कोई गाना गाने को कहे तो आपके लिए संभव नहीं होगा, सांस साथ नहीं देगी, परंतु आपके लिए रोजमर्रा की बातचीत, नॉर्मल रेगुलर कॉन्वर्सेशन करना पॉसिबल है, तो आप मॉडरेट इंटेंसिटी पर वर्कआउट कर रहे हैं। और दोस्तों, यदि आपकी सांस इतनी ज्यादा फूल रही है कि गाना गाना तो बहुत दूर की बात है, आपके लिए 2-3 सेंटेंसेस भी दम बिल्कुल छूटे बिना बोलने डिफिकल्ट हो, तो उस केस में आप विग्रस फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं। तो ये एक बहुत ही सिंपल तरीका है जिससे कि आप देख सकते हैं कि आपकी फिजिकल एक्टिविटी किस इंटेंसिटी पर हो रही है। अब मैं आपको दूसरा तरीका बताती हूँ जो इससे थोड़ा सा ज्यादा डिफिकल्ट है पर ज्यादा एक्यूरेट है आपकी एक्सरसाइज इंटेंसिटी मेजर करने के लिए। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहला स्टेप ये होगा कि आपको 220 में से अपनी एज को माइनस करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप 40 साल के हैं तो 220 में से 40 माइनस कीजिए, जो कि आया 180। अब क्या कीजिए कि इसका 50-70% कैलकुलेट कर लीजिए और एक जगह लिख लीजिए। दैट इज 180 का 50% कितना है और 180 का 70% कितना है, इन दोनों वैल्यूज को लिख लीजिए। ये आपके लिए रेंज की तरह काम करेंगे। ये रेंज क्या डेमोंस्ट्रेट कर रही है? यदि एक्सरसाइज करते समय आपका हार्ट रेट इन दो वैल्यूज के बीच में है तो उस स्थिति में आप मॉडरेट फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, और यदि 70% जो हमने 180 का कैलकुलेट किया है इससे ज्यादा है आपका हार्ट रेट, तो उस स्थिति में आप विग्रस फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं। तो दोस्तों, अब हम समझ चुके हैं कि हम मॉडरेट और विग्रस फिजिकल एक्टिविटी की इंटेंसिटी को किस तरह कैलकुलेट करें। तो अब अगला सवाल ये आता है कि हम हफ्ते भर में इस एक्सरसाइज को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करें। तो आपके पास 3 पैरामीटर्स हैं जिनको कि आप ट्वीक कर सकते हैं, इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड ड्यूरेशन। इंटेंसिटी मतलब आप एक्सरसाइज मॉडरेट कर रहे हैं या विग्रस कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी यानी कि कितनी बार कर रहे हैं, और ड्यूरेशन यानी कि एक बार में कितने लंबे समय तक कर रहे हैं। तो आप इन तीनों पैरामीटर्स के अराउंड प्ले करके अपने लिए 150 मिनट्स ऑफ मॉडरेट या 75 मिनट्स ऑफ विग्रस या फिर अ कॉम्बिनेशन पर आप एक्सरसाइज कर सकते हैं एक हफ्ते के अंदर अंदर। इसके अलावा ये बिल्कुल ना भूलें कि आपको हफ्ते में 2 बार, कम से कम 2 बार स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी करनी है, वेट बियरिंग एक्सरसाइजेस भी करनी है यदि आप अच्छी हेल्थ चाहते हैं तो, और साथ में एक वेल राउंडेड बैलेंस्ड डाइट खानी है। एक जरूरी बात और दोस्तों, जो 150 मिनट्स वाली रिकमेंडेशन है ये मिनिमम रिकमेंडेशन है कि इतनी तो आपको करनी ही करनी है। यदि आप इससे ज्यादा एक्सरसाइज करेंगे तो आपको और ज्यादा हेल्थ बेनिफिट्स होंगे,
तो इस बात को जरूर दिमाग में रखें कि जब आपके हफ्ते के 150 मिनट ऑफ मॉडरेट फिजिकल एक्टिविटी खत्म हो जाए तो एक्सरसाइज करना बंद ना करें। यदि आपका समय, स्थिति और हेल्थ अलाउ करती है तो प्लीज और एक्सरसाइज कीजिए, वो आपको फर्दर फैट लॉस में भी हेल्प करेगी और यदि आपको लाइफस्टाइल डिजीजेस हैं तो उसकी ट्रीटमेंट में आपको मदद करेगी और यदि नहीं है तो प्रिवेंशन में आपकी मदद करेगी। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। और आपने मेरा YouTube चैनल तो सब्सक्राइब कर ही लिया है, किया है ना, अपने फ्रेंड्स और फैमिली को भी एनकरेज कीजिए जिससे कि आप सभी लोग हेल्दी हो सके। YouTube चैनल के अलावा मैं एक बहुत ही एक्टिव और इंटरैक्टिव Facebook पेज भी रन करती हूँ जिसे ढूंढना बहुत आसान है। YouTube चैनल की तरह आप डॉक्टर मेधा कपूर PhD Facebook पर सर्च कीजिए और मेरे पेज को जरूर लाइक कीजिए। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि इस हफ्ते आप अपने 150 मिनट्स ऑफ मॉडरेट फिजिकल एक्टिविटी या 75 मिनट्स ऑफ विग्रस फिजिकल एक्टिविटी या कॉम्बिनेशन जरूर पूरा करेंगे, साथ में एटलीस्ट दो बार स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी करेंगे। आपने ऐसा किया या नहीं कमेंट सेक्शन में पोस्ट करके मुझे जरूर बताइएगा। अच्छा दोस्तों, चलती हूँ, एक नया वीडियो लेकर आऊंगी बहुत ही जल्दी। बाय बाय।